देखिए किस खूबसूरती के साथ अपनी हथेली को नीचे की ओर घुमाया, प्रोनेशन लगाया और इस राउंड को किया खत्म। मोहित ने कोशिश तो की थी लेकिन शायद थोड़ा गैप अभी भी है इन दोनों खिलाड़ियों की काबिलियत में। बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस आज सारे के सारे होने वाले हैं। तीसरा राउंड, अगर इस राउंड को भी जीत लेते हैं तो 10-0 से जीतकर एक बार फिर से बराबरी पे ले आएंगे। 12-12 अंक की बराबरी हो जाएगी दोनों टीम के बीच में। एक दिलचस्प बात यह है कि ये स्टीव थॉमस की पहली चैलेंजर राउंड जीत है इस पूरे सीजन में। अभी तक स्टीव थॉमस ने चैलेंजर राउंड एक्टिवेट किया ही नहीं था। आज सेमीफाइनल में पहली बार चैलेंजर राउंड में 6 पॉइंट उनके नाम। क्लीन स्वीप तो कई बार दिखी है जहां ये 3 लगातार राउंड हमें दिखते हैं इनके तरफ से, ये जीतते हैं और 2 बोनस पॉइंट ले लेते हैं। तो संजय देसवाल ने चैलेंजर राउंड में 10 पॉइंट लिए, कुछ वैसा ही करना चाह रहे स्टीव थॉमस। 10 पॉइंट की खोज में जाएंगे हम अब स्ट्रैप में। सवाल उठा रहे हैं वहां पर मैनेजर साहब, खिराक हैदराबाद के कोच व्लादिमीर, रोहतक राउडीज के कोच वसिल। यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय लेजेंड, आर्म रेसलिंग दुनिया में इनका रैंक 5 है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई खिताब राहुल पानेकर के नाम, बाइसेप इंजरी शिवाजित जनार्दनन के सामने 2 दिन पहले। यहां कोच व्लादिमीर खुश होंगे स्टीव थॉमस के इस प्रदर्शन को देखते। बहुत जरूरी कि वो इस मैच को जीते। स्टीव के टक्कर में बहुत कम अपोनेंट्स इस लीग में। कैप्टन अस्कर अली, आज मामला गंभीर है। आज इनमें से कोई एक टीम घर जाएगी, एक टीम कल फाइनल में नजर आएगी। फिलहाल बराबरी पर ले आए हैं किराक हैदराबाद को इस खूबसूरत जीत के कारण। आज अपने ओपोनेंट से भी अपने सिग्नेचर मूव्स करा रहे हैं और मोहित के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, सिर्फ अपने विरोधी की काबिलियतों की सराहना कर सकते हैं। देखिए गले लगाते हुए ने, जानते हैं स्टीव एक सुपीरियर खिलाड़ी है, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म रेसलर है, टॉप 3 है इंडिया में अपनी वेट कैटेगरी में। बहुत मुश्किल किसी के लिए भी इन्हें हरा पाना, और इस जीत के साथ बराबरी पर ले आए हैं स्कोर। और अभी तक जो 2 खिलाड़ी जीते हैं, संजय देसवाल और स्टीव थॉमस, दोनों ही हमारे होस्ट अमन के साथ मौजूद है। क्या कहना चाहते हैं, चलिए।